त्रिनिदाद के मैदान में इंडिया का मुकाबला है वेस्ट इंडीज़ के साथ। ये दूसरा टेस्ट मैच और पांचवें दिन का खेल इस समय जारी है। इंडिया टीम की पूरी कोशिश होगी इस पांचवें दिन के खेल में जो लक्ष्य मिला है, वेस्ट इंडीज़ को जो लक्ष्य देना है वो कैसे देना है और किस प्रकार से देना है और कैसे आगे बढ़ना है। जल्द से जल्द फिर वेस्ट इंडीज़ की टीम को आउट भी करना होगा। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड फील बेस्ट फॉर द टीम। इस समय वेस्ट इंडीज़ की टीम तैयार है बॉलिंग के लिए, पर क्या वो भारतीय टीम को रोक पाएंगे या नहीं, सवाल तो ये है। इंडिया का स्कोर 13वें ओवर में ही 106 रन हो चुका है, सो यू कैन फील द पेन फॉर वेस्ट इंडीज़। विराट कोहली ने भी तेजी से शुरुआत की, अक्षर पटेल विजेयर, अक्षर पटेल भी उस छोर से हैं। 106 फॉर 3, 14th ओवर रहेगा। जेरी जोसेफ बॉल करा रहे हैं, लेग साइड पर फ्लिक किया, दो रन की कॉल करेंगे विराट कोहली एंड दो रन बना लिए जाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 108, 3 विकेट के नुकसान पर। इंडिया ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ गेम करेगी ताकि लक्ष्य जल्द से जल्द दिया जाए सेकेंड इनिंग में वेस्ट इंडीज़ की टीम को। इस ओवर की तीसरी गेंद, इट्स अ वेरी गुड टेकन फ्रॉम वेस्ट इंडीज़। ऑफ साइड पर फील्डर ठहरा दिए गए हैं ताकि रन स्कोर रोका जाए। विराट कोहली ने ऑफ साइड पर एक बढ़िया पंच किया, उस दिशा से फील्डर हटा दिया गया है और उसी दिशा में बाउंड्री। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज उस दिशा में फील्डर ठहरा था, उसने ग्रैब किया, बाउंड्री रोकी, फिर उसी दिशा में बॉल थी एंड देन विराट कोहली ने ऑफ साइड पर अटैक किया, बैकफुट पर जाकर पंच किया। तो क्रैग ब्रैडफोर्ड की क्या स्ट्रैटेजी है वी डोंट नो, बट इंडिया इज फीलिंग स्ट्रॉन्ग राइट फ्रॉम हेयर। 112, 3 विकेट के नुकसान पर विराट कोहली 19 गेंदों पर 20 रन बनाकर मौजूद है। तेजी से फील्डर के पास एक रन की होगी कॉल। स्कोर बढ़ता हुआ 113, 3 विकेट के नुकसान पर। इंडिया इज क्रूजिंग अगेन। जेरी जोसेफ इस ओवर की आखिरी गेंद कराएंगे, फर्स्ट स्लिप और सेकेंड स्लिप पर फील्डर ठहराए गए अक्षर पटेल के लिए, बट अक्षर पटेल ऑफ साइड पर पंच किया और इंडिया उसी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई। लगभग 8 के करीब रन रेट जा रहा है भारतीय टीम का। अक्षर पटेल की नज़रों से देखें तो ये बाहर जाती हुई गेंद को उन्होंने फ्लिक किया, ऑफ साइड पर मिलेगा चौका। सवर की समाप्ति धमाकेदार तरीके से हुई है। 9 गेंदों पर 17 की साझेदारी अक्षर पटेल और विराट कोहली के दरमियान, इससे बेहतर क्या पंच हो सकता है। नाइट वॉचमैन के तौर पर अक्षर पटेल आए थे, ही इज डूइंग द ट्रिक्स परफेक्टली। जसन होल्डर मिड विकेट के दिशा में खेला, विराट कोहली ने 21 गेंदों पर 21 रन बना चुके हैं। विराट कोहली का बल्ला जैसे चल रहा है, शतक के मूड में लग रहे हैं वो, पर शायद इतना समय नहीं होगा उनके पास शतक बनाने का। एक रन की खोल की है और एक रन बना लिया जाएगा। स्केयर लेग के पास ठहरा हुआ फील्डर तैयार था। इस ओवर की तीसरी गेंद, जसन होल्डर, ओ इट वाज अ ड्रॉप कैच, अक्षर पटेल को एक लाइफ मिली है जसन होल्डर की गेंद पर। एक्सपीरियंस शो किया जसन होल्डर ने, बैक ऑफ द लेंथ डिलीवरी थी, थिक आउटसाइडर लगा, फील्डर इसी वजह से ठहराया गया था, पर ये देखें गेंद इतनी तेज़ी से गुजरी कि फील्डर की समझ में ही नहीं आ सकी कि बॉल कहां से गई है। एक अपॉर्चुनिटी मिली वेस्ट इंडीज़ को और इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए फील्डर को भी ठहराया गया है। इस ओवर की अगली गेंद, वेरी क्लोज, ओ माई गॉड, अगर अंपायर इसको नॉट आउट दे रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है और इस पर रिव्यू लेना बनता है मेरे ख्याल में। वो सो क्लोज, वेस्ट इंडीज ने रिव्यू नहीं लिया, दैट वाज वेरी क्लोज फ्रॉम होल्डर। अगर वो रिव्यू नहीं ले रहे हैं इट मीन्स दैट देयर इज अ प्रॉब्लम। बॉल्स, एनफ इज एनफ, वॉट आर डिलीवरी फ्रॉम होल्डर। अक्षर पटेल इसको समझ ही नहीं पाए कि बॉल गई तो गई कहाँ से, और तेज़ खेलने से ऐसा ज़रूर होता है। जब आप तेज़ खेलते हैं देन यू विल फेस द प्रॉब्लम,
ये स्ट्रेट डिलीवरी थी, वो समझे कि ये टर्न होगी पर ये सीधी आई और पैरों के पीछे से ही निकली है। बट डोंट वरी अबाउट इट, रविंद्र जडेजा इज हियर, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन। जडेजा के रेस पर 122 चार विकेट के नुकसान पर जसन उलल ने फाइनली एक विकेट ली है। ये विकेट उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी। जडेजा तैयार है। गॉन होल्डर विद अनदर विकेट। यहाँ पर स्लिप के फील्डर की जरूरत ही नहीं थी बिकॉज बाउंस इतना था कि आसानी से कैच हुआ है एंड वेस्ट इंडीज आर बाउंसिंग बैक। इंडिया ने तेज तो खेलना था पर इसका मतलब ये नहीं था कि इंडिया के प्लेयर्स जल्द आउट हो जाएं। दैट्स नॉट द केस इंडीड। दैट्स टफ फॉर ऑल। शार्दुल ठाकुर राइट हैंडेड बैट्समैन क्रीज पर आएंगे। द प्रेशर साफ नजर आ रहे हैं। रोमन राइफर लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉल कराने के लिए, उनका पहला ओवर रहेगा। 5 विकेट गिर चुकी भारतीय टीम की एंड देन प्रेशर रहेगा इंडिया पर। बट विराट कोहली कैसे खेलते हैं इस प्रेशर जोन में ये देखना होगा। पहली गेंद स्वीप करना चाहते थे, इट वॉज हिटेड हार्ड टुवर्ड्स लेग साइड। ये डेंजरस शॉट है बिकॉज आप फास्ट बॉल को स्वीप शॉट खेल रहे हैं विच इज़ नॉट गुड। 122 5 विकेट के नुकसान पर ये 16th ओवर है। लुक एट द रन रेट फ्रॉम विराट। आप 16वें ओवर में ही रन्स को इतना ज़्यादा स्ट्रेच किया है और ये केवल टारगेट देना है, समय कम है और वेस्ट इंडीज स्कोर भी करना होगा एंड वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के पॉइंट्स पर भी नज़र है। एक ही रन की खॉल होगी विराट कोहली के द्वारा और एक रन बना लिया जाएगा। उधर से शार्दुल ठाकुर रेडी हैं खेलने के लिए। समय जल्दी आए हैं मिडिल स्टंप चेक करते हुए। 16th ओवर, ये 5वें और आखिरी दिन का खेल है। जल्द से जल्द टारगेट देकर वेस्ट इंडीज की टीम को चलता करना है भारतीय टीम ने। ये प्लान है और इस प्लान को बढ़िया तरीके से ग्रैप करना होगा। और अब आएगी सफर की आखिरी गेंद। 16वां ओवर है और विराट कोहली रेडी हैं आखिरी डिलीवरी खेलने के लिए। जब आप तेज खेलते हैं तो आपको कंपेरेटिवली ज़्यादा लॉस होता है नॉर्मल रूटीन में खेलने में और आई थिंक इंडिया वॉज रेडी टू ग्रैब दैट लॉस। पर तेज खेलने में कोई मुकाबला नहीं है भारतीय टीम का। अगर तेज खेलना है उन्होंने। ओ ये बॉल बहुत अलग किस्म की बॉल थी। जसन होल्डर का वो हैट्रिक चांस था पिछले बॉल में, 2 गेंदों पर 2 विकेट उन्होंने लिए। होल्डर जब से आए हैं उन्होंने विकेट टेकिंग डिलीवरीज डालना शुरू की एंड देन विराट कोहली को थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा, सावधान रहना होगा। ऐसी डिलीज को आप अटैक नहीं कर सकते। जब स्लो बाउंसर कराया जाए एंड देन बॉल को स्किप किया जाए अंदर। 125/5 इंडिया 5वें दिन का खेल। विराट कोहली 30 गेंदों पर 24 रन बनाकर मौजूद है। ये डिलीवरी, व्हाट अ शॉट है, कवर ड्राइव विराट कोहली का, ये सबसे बढ़िया कवर ड्राइव है। लाखों करोड़ों लोग इस कवर ड्राइव को देखने के लिए मैदान में आते हैं और ये उनके लिए एक बड़ा तोहफा रहेगा विराट कोहली की तरफ से। एक्स्ट्रा कवर पर कवर ड्राइव, मैग्निफिसेंट शॉट। फील्डिंग में परिवर्तन, 129 5 विकेट के नुकसान पर और जैसन होल्डर अब इस ओवर की 5वीं गेंद कराएंगे। विराट इज़ डूइंग द बिजनेस परफेक्टली। बॉल थोड़ी स्लो पड़ती है और खेलना आसान रह जाता है विराट के लिए। इस बॉल पर एक सिंगल लिया है, स्कोर बढ़ता। ओ इट्स नो बॉल। ये बैक टू बैक उछाल भरी गेंदें करा रहे हैं जसन होल्डर और इस नो बॉल का फ़ायदा अब उठाना होगा शार्दुल ठाकुर को। बॉल्ड गॉन। जसन होल्डर तीसरी विकेट लेते हुए और वो भी इन स्विंग डिलीवरी पर, और यही वो करते हैं। बाउंसी डिलीवरी डाल के अचानक से गेंद अंदर पड़ती है और उसको खेल पाना और भी मुश्किल हो जाता है।
What a delivery. That was a perfect delivery. Or striker Bharat aayenge idhar se. Bharat right handed batsman hai aur Virat Kohli ke saath milkar ek partnership build karne ki koshish karenge. 6 wicket gir chuki hai. To yahan se pressure nazar aa raha hai aur is over ki aakhri gend. Ek acha confident level dikhaya hai Bharat ne ek run ke liye 132 6 wicket ke nuksan par. आई थिंक दैट अगर भारतीय टीम 250 रन बना लेती है तो लीड पहुंच जाएगी 400 पर और 400 की लीड बढ़िया रहती है पर उसके लिए विराट का क्रीज पर ठहरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. रोमन राइफर बॉल कराएंगे भारत को. ये क्लोज अंपायर को नहीं लगता ये क्लोज है. व्हाट अ डिलीवरी. और सडनली वेस्ट इंडीज के बॉलर प्रोएक्टिव हो गए हैं इन स्विंगिंग आउट स्विंगिंग और वो भी पैरों में डाल रहे हैं. नए आने वाले बैट्समैन को थोड़ी बहुत डिफिकल्टी रहेगी इन डिलीवरी से खेलना भी मुश्किल होगा. पर इम्पैक्ट इन लाइन होना चाहिए. पिचिंग इन लाइन होना भी बहुत ज़रूरी है बॉलर्स के लिए. ये वो इस पर काम करें. इनसाइड लग सकता था. ये थोड़ा सा डगमगा रहे हैं भरत और चार गेंदों पर केवल एक ही रन बनाया है उन्होंने. नो डगमगा रहे हैं और इसमें वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं. रबाई की सफर की पांचवी गेंद 132 6 विकेट के नुकसान पर फिफ्थ डिलीवरी. अब आएगी सफर की आखिरी गेंद. रोमन राइफर की अच्छी शुरुआत की है उन्होंने इस पिच पर. जब विकेट्स गिरी हैं तो प्रेशर डबल हुआ है और प्रेशर बढ़ने की वजह से ही आगे खेलना मुश्किल हो जाता है. 132 6 विकेट के नुकसान पर मिडन ओवर फ्रॉम रोमन राइफर. वेरी कैन आएंगे बॉल कराने के लिए. आई डोंट नो जैसन होल्डर को क्यों हटा दिया गया. होल्डर 3 विकेट ले चुके थे एंड देन उसको हटाना एक अच्छा फैसला नहीं हो सकता. A wicket, much needed wicket for West Indies. What a catch that was, catch of the day. Catches win matches hote hain aur yahan Virat Kohli 29 runs bana sake. Is catch ne to hila kar rakh diya hai Bhartiya team ko. Was something magical, something magical. रविचंद्र अश्विन इधर से आएंगे. राइट हैंडेड बैट्समैन. टेल एंडर शुरू हो चुके तेज खेलने की वजह से 19वें ओवर में ही 7 विकेट्स गिर चुकी हैं. यहां से प्रेशर नज़र आ रहा है. अश्विन इज़ रेडी टू प्ले. फील्डर वहां मौजूद है. फाइन लेग पर यह शॉट खतरे से खाली नहीं थी स्पिनर्स को लेकर. सो वेरी केन को लाना वेस्ट इंडीज़ के लिए सही साबित हुआ है. दो रन की कॉल की है अश्विन ने. स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं पर आई थिंक दैट भारतीय थिंक टैंक की पीछे से यही बात है कि आपने रन्स बनाने हैं. दैट्स इट. लीड देनी है और लीड देने के बाद फिर आपने विकेट लेने क्योंकि समय ज़्यादा नहीं है और समय ज़्यादा न होने की वजह से ही अटैकिंग अप्रोच रखनी है. दैट इज़ क्लोज. अगर अंपायर इसको आउट देता तो बच पाना संभव था बट आउटसाइड लेग होने की वजह से पिचिंग बच सकते थे. इस वजह से ही शायद ये रिव्यू नहीं लिया है वेस्ट इंडीज ने. वेरी केन फील्डर मौजूद. एक और डिफिकल्ट शॉट थी रविचंद्र अश्विन की तरफ से. इसे डिफिकल्ट शॉट से अवॉइड करें वो अदरवाइज उनके लिए और मुश्किल हो सकती है. एक रन की खोल की है और एक रन बना लिया जाएगा 19 ओवर के बाद 135 7 विकेट के नुकसान पर. इंडिया अगर 200 तक चली जाती है तो 400 की लीड हो जाएगी आराम से. सो दैट इज़ वेरी गुड. या 350 की लीड भी अगर हो जाती है इंडिया के लिए वो भी सही है उनके लिए. रविचंद्र अश्विन जब से आए हैं अटैकिंग अप्रोच रख रहे हैं और रन ज़्यादा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि 200 तक जल्द से जल्द पहुंच जाए क्योंकि पांचवें दिन का खेल आखिरी दिन का खेल है. इसमें आपको तेज़ खेलना होगा और फिर
वेस्ट इंडीज की टीम को ऑल आउट भी तो करना है, तो कुछ अलग लेवल से जाके खेलना है। दो की कॉल स्ट्रेट फॉरवर्डली, इन दो रन बना लिए जाएंगे, स्कोर बढ़ता हुआ 139 सात विकेट के नुकसान पर। अश्विन सात गेंदों पर 7 रन, भारत 7 पर 1। तो अश्विन की स्ट्रेटेजी नज़र आ रही है, व्हाट ही वांट। बैकफुट पर जाते हैं, पंच करते हैं लेग साइड पर, 2 रन मिल जाते हैं उन्हें। पिच ऑफ द बॉल को रीड कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद बॉलर हैं, बॉल करा चुके हैं, वो जानते हैं पिच कैसे बिहेव कर रही है। ऐसे में बॉलर्स को खेलना एक बॉलर के लिए फिर उतना मुश्किल रहता नहीं है, अगर उस पर थोड़ी बहुत भी सूझबूझ है बैटिंग की। नो दैट्स अनप्लेएबल डिलीवरी फ्रॉम रोमन राइफर, अनप्लेएबल इस सेंस में कि वो गुडलैंड पर बॉल थी और उसको लेग पर खेलना बहुत मुश्किल था। जस्ट लाइक दैट आप बैक फुट पर जाकर नहीं खेल सकते, आप जस्ट फ्रंट फुट पर खेल सकते हैं। गुड लेंथ की डिलीवरी, यही मुश्किल है उनके लिए भी शायद। एक रन की खोल की एक रन बना लिया जाएगा, 142 सात विकेट के नुकसान पर। 20 ओवर कंप्लीट हुए एंड इंडिया इस पांचवें दिन के खेल को एंजॉय करता हुआ, पर ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने होंगे इंडिया को और जल्द से जल्द, ताकि आखिरी दिन के खेल में वेस्ट इंडीज को खिला के भी आउट किया जा सके। दैट इज द केस इंडीड। गॉन, ये शॉट खतरे से खाली नहीं थी और वेस्ट इंडीज वो कर दिखा रही है जिसके लिए उनको लाया गया है। दे आर डूइंग द ट्रिक्स परफेक्टली, दे आर डूइंग व्हाट दे वांट टू डू। एक और विकेट और भारतीय टीम, oh that was a catch of the day. बहुत नीचे था पर खेला है मोहम्मद सिराज, राइट हैंड बैट्समैन आएंगे और 8 विकेट गिर चुकी। तेज खेलने के चक्रों में भारतीय टीम अपनी विकेट लूज करते हुए। और अब रन्स बनाना भी मुश्किल हो चुका है, बिकॉज बैक टू बैक विकेट के लिए हैं, वरी केन ने 2 विकेट ले लिए हैं स्पिनर्स ने आकर, वो भी बढ़िया कैचेस की वजह से। क्योंकि अगर विराट कोहली का कैच देखा जाए, वो अनबिलीवेबल कैच था, वरी केन की बॉल पर ही और दोनों ही स्वीप शॉट्स थे। इट मींस दैट कि बैट्समैन की उतनी गलती नहीं थी, शॉट्स तो लगानी थी। ये अच्छी शॉट है सिराज की, स्ट्रेट खेला, इसमें कोई खतरा नहीं है। वेरी केन 3 for 2 की साझेदारी भारत और मोहम्मद सिराज के दरमियान, 144 for 8। इक्कीसवां ओवर, रन्स बनाने हैं अभी भी। एंड फील्डर मौजूद है, ये रहेगी डॉट बॉल। सिराज उतना तेज खेल नहीं पाएंगे, स्पेशली स्पिनर्स को, बिकॉज फील्डर सर्कल के अंदर हैं और उनके लिए मुश्किल रहेगी हमेशा से। और क्लोज बॉल, मौका इस्तेमाल किया सिराज ने, स्ट्रेट टू द पैड, और ऐसा लग रहा था कि मिडिल स्टम्प उड़ाएगी अगर ये चूक जाती तो। लास्ट डिलीवरी को अगर हॉकआई में हम देखें तो बिल्कुल मिडिल स्टम्प वाली डिलीवरी है और वो ऑफ स्टम्प पर लग रही थी। 7 for 1 रन बना चुके हैं भारत, उतना तेज खेल नहीं रहे हैं। रोमन राइफर बॉल कराएंगे, नए प्लेयर के लिए हमेशा खेलना मुश्किल रहता है। एंड रोमन राइफर अपना 4th ओवर करा रहे हैं, ओवरऑल ये 22वां ओवर है वेस्ट इंडीज का और 144 रन इंडिया ने बनाए हैं। आई थिंक ये बहुत है अगर आप रन को देखें तो, ये इतनी शॉट लग नहीं पा रही है भारत से। शायद वो अटैक करना चाहते हैं टेलेंडर्स के साथ मिलकर, पर क्या वो कर पाएंगे जिनके लिए उन्हें लाया गया है। यस, फाइनली ही डिलीवर्ड, विकेट कीपर एस के भारत, बल्ले पर गेंद आई, ही जस्ट फ्लिक ऑन लेग साइड, बैठ कर खेला, पेस अच्छा था उसको, उनकी वजह से उनको हेल्प मिली लेग साइड पर फ्लिक करने की। और मिडल ऑफ द बैट जब खेला है फील्डर्स के ऊपर से, डेफिनेटली इट विल गो इनटू द बाउंड्रीज। इंपॉर्टेंट रन्स फॉर इंडिया, इंपॉर्टेंट लीड फॉर इंडिया। स्लिप पर फील्डर ठहराया है रोमन
राइफर ने। ये अच्छी शॉट, चीकी शॉट मिलेगा चौका और बिल्कुल पैरों में गेंद थी। तो अच्छी चॉइस है ये भारत के लिए और बल्ला खुल गया है, बाजू खुल गया है उनका कि कैसे शॉट लगानी है। ये देखें बॉल पर अगर आपकी नज़र हो तो आप बेहतर तरीके से इसको जज कर सकते हैं और गैप में खेल सकते हैं। स्कोर 150 प्लस स्कोर होता हुआ, ये रन्स इम्पॉर्टेंट हैं हर एंगल से भारतीय टीम के लिए। दो की कॉल किया स्ट्रेट फॉरवर्डली भारत ने, एंड दो रन बना लिए जाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 154, लीड बढ़कर 250 की हो चुकी है, जो कि एक अच्छी लीड है और उसमें वो बचा सकते हैं अपनी टीम को। इट्स नॉट आउट बिकॉज ऑफ साइड पर बॉल थी और ऑफ साइड से घूमती हुई गेंद आई है, सो पैड भी वाइडिश ऑफ साइड ऑफ था। सो क्लियरली ओ दे आर गोइंग फॉर रिव्यू बिकॉज दो रिव्यू बाकी हैं। सो डेस्परेट रिव्यू लिया है पर इसका कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला। अंपायर ने भी नॉट आउट दिया, इम्पैक्ट भी आउटसाइड ऑफ है, बहुत ज़्यादा बाहर थे वो, तो ये उतना हेल्प नहीं करेगा, इन्हें डेफिनेटली नहीं करेगा। हाँ कह रहा बहुत ज़्यादा बाहर ठहरे थे, वॉज नॉट रेडी एज वेल, इसकी वजह से ये उनको इतना हेल्प आउट नहीं करेगा। इम्पैक्ट भी बाहर है, नो चांस के ये आउट है। बायर ने भी नॉट आउट दिया और इम्पैक्ट भी आउटसाइड ऑफ, इट्स नथिंग आई कैन से दैट। सो रिव्यू लॉस किया क्लियरली, नहीं होना ही था। वेरी कैन अगेन कंटिन्यू करेंगे मोहम्मद सिराज को, ये इतना आसान है क्या रन्स बनाना, लग नहीं रहा है इस पिच पर, पिच की कंडीशंस कुछ ऐसी हैं। तो जो पहली इनिंग की लीड है वेस्ट इंडीज़ की, डेफिनेटली वो लीड भारतीय टीम को बहुत हेल्प आउट कर रही है, इसकी वजह से इंडिया लगभग 300 के करीब जा चुका है अपनी लीड के, और ये बहुत लीड है। इसमें आप वेस्ट इंडीज़ को ऑल आउट आसानी के साथ कर सकते हैं, दिस इज़ गुड वन। और अब आएगी सबर की तीसरी गेंद, क्लोज, थोड़ी गेंद देर, थोड़ी देर तक हवा में गेंद रही थी बट बाल बाल बचे हैं। 157/8 भारत 13 गेंदों पर 11 रन बनाकर मौजूद है। लेग साइड पर फ्लिक किया भारत ने, स्वीप शॉट, दो रन की कॉल और दो रन बना लिए जाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 159, आई थिंक अब इंडिया को डिक्लेयर कर देना चाहिए, जहां तक मुझे लगता है कितने रन्स बहुत हैं और इंडिया को डिक्लेयर करके अब वेस्ट इंडीज़ को खिलाना चाहिए। पांचवें दिन का खेल है और आगे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, पर शायद इंडिया और भी तेज़ खेलना चाहती है या ज़्यादा रन्स बनाना चाहती है पांचवें दिन के खेल में। दे वांट टू डू समथिंग डिफरेंट लाइन, दो रन की कॉल, नो रन कैंसिल किया, दोबारा आए ताकि खुद खेल सकें अगले ओवर को भी। राकीम कॉर्नवॉल बॉल कराने के लिए आएंगे, इज नॉन रेगुलर बॉलर पर बॉल अच्छी करा लेते हैं भारत। शॉट, जब आप बैट के नीचे गेंद देंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा इसको मिडल ऑफ द बैट खेलने के लिए, और ये वही किया है उन्होंने। कमाल की शॉट थी, कमाल की शॉट थी, इससे बेहतर क्या होगी और शॉट। मतलब आगे सबर की दूसरी गेंद, भारत 17 गेंदों पर 18 रन्स बनाकर मौजूद हैं, रन्स तेज़ी से आ रहे हैं उनके होते हुए। ये भी तेज शॉट थी पर फील्डर वहाँ पास है, तो क्लियरली एक मैसेज है भारतीय टीम का कि वो अटैक करना चाहते हैं और अटैक करेंगे भी, इसमें कोई शक नहीं है।
एक्स्ट्रा कवर पर खेला है भरत ने एक रन के लिए और एक रन बना लिया जाएगा। स्कोर बढ़ता हुआ 165 24th ओवर एंड देन इंडिया इज गोइंग परफेक्टली फाइन। एक रन की कॉल की है सिराज ने और एक रन बना लिया जाएगा। सरदारी 21 गेंदों पर 24 रन की हो चुकी भरत और मोहम्मद सिराज के दरमियान 166 for 8। फील्डर मौजूद है, रहेगी ये डॉट बॉल। भरत अटैक करने की कोशिश करना चाहते हैं पर इवन हर बॉल पे भी अटैक नहीं कर सकते बिकॉज बॉल भी चाहिए होती है अटैक करने के लिए। 167 for 8 आफ्टर एंड ऑफ 24th ओवर। 25वां ओवर आएगा अब और भारत 21 गेंदों पर 20 रन बनाकर मौजूद हैं। वेरी केन चौथा ओवर कराएंगे इंडिया के लिए, उतनी लीड बहुत है मे बी, पर शायद वो और भी खेलना चाहें। कदमों का इस्तेमाल ये ज़्यादा आसान है भारत के लिए अटैक करना और शायद इस पर वो ज़्यादा डिपेंड भी करेंगे और ज़्यादा तेज़ खेलेंगे। फिफ्थ डे है एंड दे विल प्ले लॉन्ग लॉन्ग इवन मोर देन लॉन्ग। लुक एट दैट शॉट, मिड विकेट के ऊपर से खेला, फील्डिंग में चेंज 171 for 8। भारत 24 पर ठहरे हैं। 25वें ओवर में इंडिया ने स्कोर बहुत हद तक बढ़िया बना लिया है। ये डिलीवरी बहुत अच्छी थी और ऐसे खेलना सही नहीं था भारत के लिए। ये फील्डर पीछे मौजूद है, लेग साइड पर खेला है 2 रन की कॉल के लिए और 2 रन बना लिए जाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 173 8 विकेट के नुकसान पर। और अब आएगी सफर की चौथी गेंद, देन भारत इज रेडी टू अटैक, रेडी टू प्ले। शॉट उठाकर खेला है ऑफ साइड पर, बिल्कुल अंदर आई थी ये गेंद, अगर अंदर ज्यादा होती और चूकता तो मैच बदल सकता था। फोर के बाद 177 और लीड बढ़कर लगभग 400 के करीब भारतीय टीम की लीड हो चुकी है। मेरे ख्याल में ये लीड बहुत है और लीड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये भी चौका है, जहां खेल रहे हैं वहां बाउंड्री, ज़्यादा जल्दी है इनको डिक्लेयर करने की नहीं और ये लग रहा है कि भारतीय टीम अब अपनी पारी डिक्लेयर करेगी और अंदाज़ा यही है। और अगर इंडिया की टीम ये डिक्लेयर कर लेती है तो इससे बेटर कुछ होगा नहीं बिकॉज लीड बन चुकी है एंड इट्स टाइम फॉर डिक्लेरेशन। पर भारत 34 पर ठहरे हैं, शायद भारत अपनी अर्धशतक के बाद डिक्लेयर करें, खेल तो बहुत अच्छा रहे। एक 25 ओवर के बाद यह ओवर बहुत महंगा साबित हुआ है बिकॉज 15 रन आए हैं इस ओवर में वेरी केन के। 29 गेंदों पर 40 की साझेदारी भी हो चुकी है। ये पार्टनरशिप बहुत अच्छी जा रही है भारत एंड सिराज के दरमियान और 182 for 8 इंडिया। राकीम कॉर्नबॉल 2 रन की कॉल करेंगे भारत और 2 रन बना लिए जाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 184 8 विकेट के नुकसान पर। 26वां ओवर है ये, राकीम कॉर्नबॉल विकेट लेने की पूरी कोशिश करते हुए। दो रन की कॉल करेंगे भारत और 2 रन बना लिए जाएंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 186 26वां ओवर एंड राकीम कॉर्नबॉल रन रोकने की कोशिशों में। इट्स अ सिक्स एंड मे बी इट कुड बी अ लास्ट ओवर बिफोर डिक्लेरेशन, अगर अर्धशतक बन जाता है। और ये साझेदारी देखें, 32 गेंदों पर 50 की भारत और सिराज के दरमियान। ये करना ज़रूरी था इंडिया को, ज़्यादा तेज़ खेलना था, लीड को बढ़ाना था। 5वां दिन है, 5वें दिन का खेल है और लीड जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा फ़ायदा इंडिया की टीम को होगा, दैट फॉर श्योर। बड़ा सिक्स, साझेदारी तो हुई है और बड़े शतक बनाएंगे या नहीं। चौथी गेंद
भारत 45 पर ठहरे हैं। स्ट्रेट एंड फोर, वो अब किसी बॉल पर रुकने वाला नहीं है, तो का इस्तेमाल किया, सीधा खेला है। 49 रन हो चुके भारत के, आशा तक के बहुत करीब। बड़ा शॉट दैट वाज एज स्ट्रेट एज पॉसिबल, इससे बेहतर क्या होगी। और शॉट, शुरुआत बहुत अच्छी और लीड बढ़कर लगभग 400 से ऊपर होते हुए 196/8 इंडिया का स्कोर। भारत 49 पर ठहरे हैं और रुकने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे। व्हाट अ शॉट, स्टाइल के साथ अर्धशतक कंप्लीट किया केवल 32 गेंदों पे। 8 चौके एक छक्का, व्हाट अ नॉक एंड पर आकर एक विकेट कीपर बैट्समैन ऐसा खेलेंगे ये सोचा नहीं था। बहुत बढ़िया पारी खेली है, दैट इज ब्रिलियंट स्टफ, ब्रिलियंट नॉक। दिस इज बेस्ट एवर परफॉर्मेंस फ्रॉम भारत, बिकॉज इतना तेज अंदाजा नहीं था वो खेलेंगे। या बट डाउन द ट्रैक अनदर बाउंड्री, ये अब तक का सबसे एक्सपेंसिव ओवर। 22 रन आए इस ओवर में, क्रेडिट गोज टू भारत और इंडिया पांचवें दिन के खेल में लीड को बढ़ाते हुए। नहीं ऐसा होना था, लीड बढ़नी ही बढ़नी थी। दे नीड सम क्रैकिंग थिंग देन दे आर गेटिंग दैट।